हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटी साइंस गुरुजी। आज मैं आपको क्लास टेंथ का जो 4 मार्च को पेपर है सीबीएसई का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली 7 से 8 साल के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद रे डायग्राम। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उसका रे डायग्राम याद रखना है। साइंस का जो भी क्वेश्चन है, अगर उसमें डायग्राम पूछा हो चाहे ना पूछा हो, लेकिन अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो आप बनाइए, क्योंकि आप जो थ्योरी थ्योरी लिखोगे और एक साइड आप डायग्राम बनाओगे, जो वो कंप्लीट थ्योरी चाहे कम लिख देना, लेकिन डायग्राम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंप्लीट डायग्राम है वो आपको थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अगर थ्योरी में 2 चीजें कम लिखी हुई है लेकिन डायग्राम एग्जैक्ट है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि एग्जाम की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग इन द सीरीज। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि पैरेलल बैटरी या फिर हम सीरीज में डिफरेंस क्या है, किस किस के एडवांटेजेस है। तो आपको देखो, आपको पैरेलल अगर पूछा है तो ठीक, अगर नहीं पूछा हुआ डायग्राम तो आप फिर भी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसका आप अच्छे से डायग्राम बनाइए, फिर सीरीज का बनाइए, फिर दोनों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट है, स्टेट ओम्स लॉ विद ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा तो जनरली आता ही है हर साल कि आप ओम लॉ को डिफाइन कीजिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कि आप ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, फिर आप कैसे करोगे। तो अगर आपने ग्राफ नहीं किया है तो आप एनसीईआरटी की बुक में जाइए, आपको ग्राफ मिलेगा, इधर इधर होगी वोल्टेज, इधर होगा करंट, और ग्राफ आपका ऐसे जाएगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर विद डायग्राम एंड वर्किंग। अगर ये ऐसे भी पूछता ना, 5 नंबर का क्वेश्चन होता कि आप प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बताइए, लेकिन डायग्राम नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आप डायग्राम बना दीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लीट थ्योरी को वो एक्सप्लेन करेगा वो डायग्राम ही। तो इसमें पूछा हुआ है कि आप इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बताइए, डायग्राम और उसकी वर्किंग बताइए। नेक्स्ट है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स एंड राइट द एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है और उनके एडवांटेज। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी 3 से 5 नंबर में आएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स होते क्या हैं, लेकिन कई बार इसने ये तो नहीं कह रखा कि आप एग्जाम्पल बताइए, नहीं कह रखा, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल दीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के एग्जाम्पल ये है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल ये है, क्योंकि आपको वहाँ से नंबर लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन होती क्या है या फिर ओजोन लेयर क्या है और वो इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन 1 ट्रॉपिक लेवल। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, अब इसके बाद मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास केमिस्ट्री किससे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और रेस्पिरेशन जो हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन कोरोजन एंड व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन। कोरोजन क्या है और हम आयरन जो हमारे पास मेटल होती है उसके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि कोरोजन से बचने के लिए आप कुछ उपाय बताइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करें तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन है ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आप लिख लेना इसको, रट के जाना, ये पक्का आएगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, हर साल आता है ये। नेक्स्ट है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, फिर इसी का पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही 5 नंबर के हैं। फिर दोबारा बताता हूँ, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और ये जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है और इसकी फंक्शनिंग है, इन दोनों को आप रट के जाना अच्छे से, ये दोनों के दोनों ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होता क्या है कि ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल आते हैं, किसी ना किसी तरीके से घुमा के ट्विस्ट करके हर साल पूछता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर, इसका जो सेकंड पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर, हर साल आता है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए अब तक सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने कराए हैं आप इनको अच्छे से तैयार करके जाना, आप इजीली अच्छे नंबर गेन कर लोगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कॉमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।